दोस्तों, अपने UPI पिन को कैसे रीसेट करें या फिर कैसे चेंज करें, आज हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल सभी कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, जिसके चलते सभी लोग ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसे गूगल पे, पेटीएम या फिर फ़ोन पे, ऐसी एप्लीकेशन का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ है। और तो और दोस्तों, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, जैसे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन या फिर कोई अदर साइट्स। इन सब में UPI पिन का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी प्रकार की मनी ट्रांसफ़र आप घर बैठे आजकल कर सकते हैं दोस्तों, या फिर कोई भी शॉपिंग आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको UPI ID और UPI पिन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में अगर आप कभी अपना UPI पिन भूल गए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, आज मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर लोग फ़ोन पे तो यूज़ करते ही हैं, तो फ़ोन पे के माध्यम से मैं बताता हूँ कैसे आप अपने पिन को रीसेट कर सकते हैं, अगर आप भूल गए हैं या फिर आप चेंज करना चाहते हैं तो। तो दोस्तों, जिन लोगों के पास फ़ोन पे की एप्लीकेशन नहीं है वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और जिनके पास ऑलरेडी है तो उनको मैं बता देता हूँ कैसे वो अपना UPI पिन चेंज कर दे सकते हैं। तो आप जैसे ये फ़ोन पे खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसमें अगर आपको अपनी UPI ID देखनी है तो उसके लिए आपको अपने प्रोफाइल वाले कॉलम पे क्लिक करना है, जो कि ऊपर की तरफ है। उसमें अंदर जाके ये देखिए, ऐसे आपको UPI ID अपनी दिख जाएगी, जैसे कि मेरी दिखा रहा है। तो यह UPI ID इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको अपना UPI पिन रीसेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए नीचे माई मनी वाला ऑप्शन दिया हुआ है फ़ोन पे की एप्लीकेशन में, उसमें आप क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा पेमेंट मेथड। उसमें UPI बैंक अकाउंट करके पहला ही ऑप्शन है, तो इस वाले ऑप्शन से आप जाके और भी चीज़ें देखिए यहाँ पर, लेकिन आप इस ऑप्शन को खोल के ऐसा कुछ दिखेगा, आपकी UPI ID और आपके जो भी बैंक अकाउंट लिंक हैं वो आपको दिखाएगा। इसी में नीचे की तरफ रीसेट भीम UPI पिन करके दिखा रहा है, तो आप लोग इसको क्लिक कर लेंगे दोस्तों। तो जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे, जो भी बैंक का आपको चेंज करना है उसका आपको ATM कार्ड आपने जो पहले लगाया होगा, जैसे कि इसमें दिखा रहा है कोई मैंने ATM कार्ड लगाया होगा, उसके लास्ट के 6 डिजिट नंबर ये मांग रहा है। तो आपके पास जो ATM कार्ड होगा दोस्तों, उसमें आप देखेंगे पीछे से जो आपके ATM कार्ड नंबर होता है उसके लास्ट के 6 डिजिट नंबर आपको डालने होंगे, और वैलिड अप टू उसके नीचे दिया हुआ है, तो आपकी वैलिडिटी कब तक है वो भी आपको डालना होगा, जैसे मंथ और ईयर। उसके बाद आप कंटिन्यू कर लेंगे दोस्तों। इसे कंटिन्यू करने के बाद आपको एक OTP टाइप का आता है। OTP आने के बाद दोस्तों, जैसे आपको OTP प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद आपको यह क्रिएट ए न्यू UPI पिन और उसको कन्फर्म करने के लिए वहाँ पर पूछता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका UPI पिन यहाँ पर सक्सेसफुली सेट हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। और अगर आपको चेंज करना है UPI पिन, तो वहीं पर बगल में आ रहा है ऑप्शन, देख चेंज भीम UPI करके लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके आप वहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं पिन। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और शेयर। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए।